नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ हम इस समय मौजूद हैं रीवा के आरटीओ विभाग में। मैं आपको बताऊं और मैं निश्चित रूप से आपको दिखाऊंगा भी, आरटीओ ऑफिस की बिल्डिंग सालों पहले बनी थी लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अगर माना जाए राजस्व को लेकर तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला अमला यही आरटीओ विभाग है। यहाँ पर काफी लोग आरटीओ ऑफिस के मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याएं क्या है। आप ये बताइए कि आरटीओ को आपने कब से नहीं देखा, आरटीओ को लेकर आपकी क्या समस्याएं? आरटीओ को देखने की जहां तक बात है तो आरटीओ तो ऑफिस में 5 बजे या 6 बजे आते हैं, उसके पहले कोई भरोसा नहीं कब आएंगे, है ना। ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि आरटीओ किसी दिन ऑफिस में इस तरह रहते हो कि हम लोग कह सके कि आरटीओ साहब बैठे हैं। अक्सर होता है कि कभी 5 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, कभी 5 बजे आते हैं, कभी 6 बजे आते हैं। आरटीओ विभाग के सबसे बड़े आला अधिकारी जिसको आप लोग आरटीओ ही कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ भी लोग उनकी ही बात कर रहे हैं। आप बताइए, आरटीओ ऑफिस में आपको रहते बहुत दिन हो गए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग लगातार कर रहे हैं? दिक्कत ये थी कि पहले क्या होता था कि बाबू की कोई शिकायत होती थी तो अपने अधिकारी को कह देते थे कि साहब ये दिक्कत है और ये समस्याएं हैं, तो उसका समाधान हो जाता था। आज बाबू ही एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और कटर का काम कर रहा है। किसी बाबू बड़ी समस्या, बाबू कटर का काम, जब कटर ही बाबू बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये आरटीओ विभाग के बाहर काम करने वाले लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है। आप बताइए कैसे काम चलेगा आरटीओ विभाग में, जैसे आप लोग का कहना नहीं है? आरटीओ विभाग में आरटीओ कभी भी नहीं आते हैं। आरटीओ जैसे चोर डकैत आता है 5-6 बजे, जब पूरी जनता रीवा की चली जाती है, भटकती है, परेशान होती है और आरटीओ के द्वारा कुछ गुर्गे नियुक्त किए गए हैं, अंदर किए गए हैं जो दलाली का काम करते हैं। इसमें बस ऑपरेटर भी हैं, बाबू भी हैं, दलाली में पूरा कार्यालय लिप्त है। निश्चित रूप से एक काफी गंभीर, लड़कियों से हजारों रुपए की मांग की जाती है। एक मिनट, मैं आपसे पूछूंगा फिर आऊंगा आपके पास, आप मुझे वक्त दीजिए थोड़ा सा। निश्चित रूप से एक ऐसा गंभीर आरोप जिसको गंभीरता से यहाँ के प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, यहाँ के प्रशासन से, या यूं कहा जाए यहाँ के सबसे बड़े आला अधिकारी कमिश्नर रीवा और कलेक्टर रीवा को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। आरटीओ आखिर विभाग में क्यों नहीं आते हैं? ये बताइए यहाँ पर और किस प्रकार की समस्याएं हैं? यहाँ पूरी गंदगी है, चारों तरफ कोई व्यवस्था नहीं, पूरा गंदगी का ही आलम है, गंदगी का ही आलम है। जबकि देश के प्रधानमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं गंदगी हटाओ, देश से गंदगी भगाओ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वो चीज भी दिखाऊंगा, वो दृश्य भी दिखाऊंगा जिसको देख के आप स्वयं ही अंदाजा लगा लेंगे कि जिस विभाग में हजारों लोग रोज आते हैं उस विभाग का आलम यहाँ पर क्या है। ये बताइए, अगर आरटीओ आपको रेगुलर नहीं आते, आरटीओ से आप किस तरीके की मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आरटीओ भले 7 दिन में 2 ही दिन बैठे, पर वो दिन निश्चित कर दे कि फला फला दिन को हम आरटीओ में रहेंगे, जिससे आम पब्लिक को हम लोग बोल सके कि फला दिन को आरटीओ साहब रहते हैं तो पब्लिक को सुविधा मिले। उसके साथ एक मिनट का निवेदन करना चाहेंगे, हमारे यहाँ MP ऑनलाइन जो है 12 बजे वेबसाइट खोलता है तो हम लोगों के आवेदन भी नहीं लगते, उसमें रात को 12 बजे तो MP ऑनलाइन की भी व्यवस्था कराई जाए। सब विभागों की जब MP ऑनलाइन पूरे दिन चलती है तो हमारे विभाग की भी MP ऑनलाइन पूरे दिन चलनी चाहिए। एक मजेदार बात जिसको रीवा के लोगों को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानना चाहिए और प्रशासन को तो निश्चित रूप से जानना चाहिए, आरटीओ विभाग में ये तमाम लोग जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं रात को 12 बजे से काम करने के लिए इनको शासन ने कहा, क्यों कहा? उसका सीधा सा अर्थ है जो MP ऑनलाइन जब रात को 12 बजे खुलेगी तो निश्चित रूप से ये लोग 12 बजे ही काम करेंगे। आप मुझको ये बताइए, यहाँ पर बिल्डिंग बने काफी लंबा अरसा हो गया, बिल्डिंग के पीछे भी एक ट्रायल के लिए बनाया गया था, उसको आपने कब देखा, क्या वो चालू हुआ? ये जो बिल्डिंग जब से बनी हुई है पीछे गाड़ी टेस्ट लेने के लिए बनाया गया था लेकिन आज तक कभी भी चालू नहीं हुआ। चालू क्यों होगा? क्योंकि आरटीओ साहब स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिना भ्रष्टाचार बिना रुपया लिए कोई काम नहीं करते हैं, दिन में आते नहीं है, लड़कियों से लूटते हैं, महिलाओं से लूटते हैं। मैं सारे लोगों से बात करूंगा, अपन लोग देखिए एक बड़े चैनल में अपन डिबेट कर रहे हैं, बड़े चैनल में
पूरा रीवा शहर इसको देखेगा। इसलिए हम लोग जो शब्दों का चयन करें, निश्चित रूप से शब्द हमारे अच्छे होने चाहिए। आपका आरोप निश्चित रूप से काफी गंभीर है। और कोई अपनी बात जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं जी? यहाँ पर बाबुओं का इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि एक ही फाइल को हजारों बार वापस करते हैं। यहाँ काम करने वाले तंग आ गए हैं। क्रेता विक्रेता को हजारों बार बुलाया जाता है तब भी वो काम नहीं हो पाता है। बाबू पैसा के लिए छीना झपटी करते हैं। बाबू पैसे के लिए छीना झपटी करते हैं। आपको भी कुछ कहना है? प्रॉब्लम है सर। हाँ बताएं। मैं आज एक साल हो गया मैंने पैसा टैक्स जमा कर दिया है। सरकारी कलेक्टर से द्वारा गाड़ी प्रस्तुत किया था हमने गवर्नमेंट से, तो उसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मेरा एक वर्ष हो गया है, एक साल हो गया सर। यहाँ काफी लोग परेशान भी हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस विभाग का आला अफसर का दिन ही फिक्स नहीं है। वो कब बैठेगा कब नहीं बैठेगा, यहाँ बैठे तमाम लोगों को नहीं मालूम, जबकि उनका काम बगैर आरटीओ के सिग्नेचर के फाइल से आगे नहीं बढ़ सकता। निश्चित रूप से ये एक गंभीर आरोप था और इन लोग का साफ तौर से कहना है अगर आरटीओ हफ्ते में दो दिन भी हमको दे दे तो हमारी बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी सभी सौदागर के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।